नेक्सॉन की सफलता के बाद टाटा मोटर एक बार फिर से तैयार है भारतीय बाजारों में तहलका मचाने के लिए। कंपनी लॉन्च करने वाली है इस बार अपनी पहली कूप एसयूवी। बेसिकली दोस्तों वो गाड़ी होती है जो सेडान और एसयूवी को मिला के बनाई जाती है, यानी कि इसमें आपको एसयूवी का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है, सेडान का बूट स्पेस मिल जाता है, अंदर से स्पेस बहुत शानदार मिल जाती है एंड बहुत सारे ऐसे लग्जरी फीचर जो आपको एक एसयूवी में नहीं मिलते हैं वो भी आपको इस गाड़ी में देखने के लिए मिल जाते हैं। अगर आपने बीएमडब्ल्यू की X6 देखी है जो करोड़ों में आती है, वो एक कूप एसयूवी है, लेकिन वो करोड़ों की मुझे टाटा मोटर कुछ लाखों में आपको इस गाड़ी में देने वाला है, यानी 10-12 लाख की शुरुआती कीमतों में आपको ये गाड़ी देखने के लिए मिल जाएगी। एंड अगर आप एक नेक्सॉन लेने का इंतजार कर रहे थे या प्लान कर रहे थे तो वेट कर लीजिए, क्योंकि नेक्सॉन के प्राइस में आपको बहुत ही शानदार पैकेज टाटा मोटर इस बार ऑफर करने वाला है। क्योंकि नेक्सॉन में आपको बहुत ही कमजोर इंजन मिलता है 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन, लेकिन इस पे आपको मिलेगा 4 सिलेंडर का इंजन, DCT भी मिल जाएगा जो पावर भी अच्छी देगा, नॉइज भी नहीं करेगा और माइलेज भी आपको अच्छा निकाल के देने वाला है। साथ ही साथ इस पे आपको पैनोरामिक सनरूफ जैसे फीचर मिल जाते हैं जो आपको नेक्सॉन में नहीं मिलते हैं। सामने से अगर आप देखेंगे तो आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल जाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों इस गाड़ी में आपको एडास भी मिल जाता है, तो आपको 360 कैमरा भी देखने के लिए मिल जाएगा, पीछे भी आपको 360 कैमरा देखने के लिए मिल जाएगा, जिसकी वजह से इस गाड़ी की जो सेफ्टी है वो हम उम्मीद करते हैं कि ये गाड़ी भी 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ टाटा मोटर आपको लाके देने वाली है। अंदर लेके चलोगे तो अंदर से यार बहुत ही शानदार डैशबोर्ड मिलता है आपको, 10.25 इंच का टच स्क्रीन मिल जाता है, ड्राइवर के लिए इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल सीट्स मिल जाती है, साथ ही साथ इसमें आपको वेंटिलेशन के ऑप्शन भी देखने के लिए मिल जाते हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखेंगे तो वो भी आपको प्रॉपर डिजिटल देखने के लिए मिल जाता है, क्रूज कंट्रोल के ऑप्शन मिल जाते हैं, स्टीयरिंग कंट्रोल के ऑप्शन मिल जाते हैं, साथ ही साथ स्टीयरिंग जो इसका है वो इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल है। सेफ्टी की बात करूं तो गाड़ी में आपको बेसिक 6 एयरबैग मिलते हैं हर एक वेरिएंट में, बाकी ABS, हिल होल्ड सीट, हिल डाउन सीट जैसे फीचर्स आपको गाड़ी में देखने के लिए मिल जाएंगे। पीछे आएंगे तो पीछे आपको रियर AC देखने के लिए मिल जाएगा। एंड ये फायदा है कूप एसयूवी लेने का, क्योंकि यार गाड़ी के जो व्हील बेस होता है वो थोड़ा सा लंबा होता है, बूट स्पेस अच्छा मिलता है, तो पीछे वाली जो सीट्स हैं वो काफी रिक्लाइन भी हो जाती हैं एंड काफी कंफर्टेबल हो जाती हैं, इसीलिए आपको वहां पे रियर AC भी देखने के लिए मिल जाता है। तो यार ऑल ओवर बात करूं तो टाटा मोटर एक बहुत ही शानदार पैकेज आपको बहुत ही कम पैसों में लाके देने वाला है। ये गाड़ी बेसिकली 12 लाख की कीमतों से शुरू होगी एंड खत्म होगी 20 लाख के आसपास, कहीं ऑन रोड बात करें तो 22 लाख के आसपास आपको इसका टॉप मॉडल देखने के लिए मिल जाएगा, लेकिन 12 लाख वाले वेरिएंट में भी आपको बहुत सारे फीचर मिलेगा। जल्दी हम इसका एक डिटेल वीडियो लेके आने वाले हैं इसके बेस मॉडल में जैसे ये गाड़ी लॉन्च हो जाती है। बाकी आप मुझे कमेंट करके बताइए कि अगर आपके पास 12-13 लाख का बजट है तो आप एक नेक्सॉन लेना पसंद करेंगे या टाटा की ये कूप एसयूवी टाटा कर्व को। बाकी आशा करूंगा आपको ये वीडियो पसंद आई, हम आपके लिए ऐसी ही अच्छी अच्छी न्यू कार की वीडियो लेके आते रहते हैं। हम मिलेंगे आप लोगों से एक और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।